अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं जो स्टाइल लेके आई हूँ वो कलियों वाला फ्रॉक है। ये सादा फैब्रिक है, एक कली इसकी और एक कली इसकी हम डालेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं कटिंग, पहले इसकी कि कैसे कटिंग करनी है। बच्चे की फ्रॉक है इसलिए हम इसका जो फ्रंट ऊपर से वाली साइड लेंगे आगे वीडियो जाने से पहले आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने जो फ्रॉक तैयार करनी है वो मैंने करनी है 20 इंच। इस तरह हमने ये भी कपड़ा ही इतने उतार लेना है। ये थोड़ी सी रेब है, इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर रख लेना है ताकि बार बार पुमेश की ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरत ना हो, इसलिए हमने ये वाला जो सबसे पहले उतार लिया था इसके ऊपर हमने रखे, इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कैसे फोल्ड है, ऐसे हमने ना डबल कर लिया और इसके चार पीसेस हो गए ऐसे। इस तरह इसके चार पीसेस। ऊपर से हमने 2 इंच ले लेना है, 2 इंच, क्योंकि ये सिलाई में भी आ जाता है इसका ज़्यादा। इधर से इसे खुलाई लेंगे हम 5 इंच, 2 इंच हम इधर से लेंगे। इधर से भी हम 5 इंच लेंगे। दो 5 इंच, थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही ले लिया इधर से, ऐसे इंच टेप को रख के इधर से हमने ऐसे मार्क कर लिया। और फिर इधर से हमने 2 इंच का रख के इधर से हमने मार्क कर लिया। थोड़ा सा हमने हटके कटिंग की है। अब जो कलिया कटिंग है इसके ऊपर ये रख लेना ही। हमने इस तरह कटिंग करनी ताकि ना हमें प्रॉब्लम ना हो साई में, जिस तरह मर्जी एक उठाओ और दूसरे में लगा दो, वरना होता है ना कि रेब होती है और एक सीधी होती है, वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये ऐसी कलियाँ नहीं होगी, ये जैसे हम उठाएंगे तो सीवन लगा लो उसकी। एक ऐसी आ जाएगी, देखिए इस अब इधर सिलाई लगा के इसकी कटिंग फिर होगी। इसके अब हमें लगानी है सिलाई, ऐसे हमने इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है और इस तरह आ जाना है इसने।
ये फ्रंट और बैक साइड हमारी अब तैयार है, दोनों सेम है, क्योंकि जब गलियों की हम कटिंग करते हैं तो सिलाई करके फिर इसकी कटिंग होनी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो मास्टर कितनी खुली फ्रॉक बन गई। ये हमारा सेंटर आ गया। तेरा हमने लेना है 10 इंच और हमने ये जस्ट फिटिंग लेनी है, बच्चे की लेनी है 12 इंच। 12 ले ले, 14 ले ले, 13 ले ले, ये अपने हिसाब से है ना आप ले। और ये हमारी गले की कटाई आ गई। ढाई इंच हमने लंबाई ली और 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। और हमारी फ्रंट बैक, ये फ्रंट और बैक साइड साइड ये आगे हमारी इधर से, इधर से हमने लेनी है 1.5 इंच। ये फिटिंग की हमने कटिंग कर ली इसकी। अब ये करने दामन की कटिंग, ताकि इसकी हल्की से हमने गुलाई करनी है, शेप आ जाए इसकी। इसके अपने बना कोने नीचे आ जाते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कटिंग होगा साथ साथ। अब हमारा ये बैक साइड आ गई, ये वाली, और ये हमारी फ्रंट साइड आ गई। इसको हमने इधर से अटैच करके, इधर से आपस में इसके अटैच कर देने इधर से। और ये मैंने फ्रिल बना ली थी। हमने 2 इंच हमने कपड़ा लिया, 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं, जैसे आपको चौड़ाई में अच्छी लगे आप ले सकते हैं इसकी। ये मैंने इधर इसकी सिलाई लगा ली ब्रीक ब्रीक इसकी, तो सिलाई की मशीन की मदद से मैंने इसको ये फ्रिल बनाई। चुन चुनट मैंने हाथ से डाले, ये हमने इधर से अटैच करके ये फ्रंट और बैक साइड साइड हमने इस तरह लगा लेनी है। और इधर हमने बाजू पे भी ऐसे ही लगानी है। ये हमारे बाजू आ गए, इधर भी हमने ऐसे ही लगा लेनी है। और नीचे हमें दामन पे भी ऐसे ही लगानी है। ये हमारा दामन, ऐसा ऐसे आ जाएगी सारी हमारे दामन पे। इधर से ही स्टार्ट करनी है और इधर से हमारी सारी ही इस तरह आ जाएगी। ये हमारी फ्रॉक गले पे, बाजू पे और दामन पे। चलो आओ हम इसे तब तैयार करते हैं। तैयार किया हुआ अब आपको हम दिखाएंगे। तैयार है जो मैंने आपको बताया था, ये फ्रिल बना कर मैंने आपको दिखाई थी। ये मैंने ये देखे बैक पे और फ्रंट पे ऐसे ये आ गई, गले पे फ्रंट और बैक। बैक पे भी मैंने ये टिच बटन लगा दिया, बच्चे के आसानी से गला पैन हो जाता है। ये बाजू बाजू आ गई और हमारे ये बैक पे मैंने स्टेप लगा दिए, ताकि बच्चे के अगर लूज भी हो तो ऐसे करके दे। देखिए कितनी अच्छी लगने लग गई, फिटिंग में आ जाएगी ये बच्चे के पहने हुए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, नई नई वीडियो, ताकि आप मजीद इसका फ़ायदा उठा सकें।